कैसा हुआ भैया एग्जाम? पेपर अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन किए आपने? 75 अटेम्प्ट किए। 75। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? पहला। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा लेवल? नहीं, लेवल तो सही नॉर्मल था, अगर अच्छे से करते तो निकल जाता पेपर, ज़्यादा कठिन नहीं था। ओवरऑल चारों पोर्शन की बात की है तो कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा, कौन सा ईजी लगा? सबसे इजी तो इंग्लिश सही थी, और मतलब English, सही था। हाँ, अच्छा, इंग्लिश में 25 में से कितने अटेम्प्ट किए आपने? 25 में 22। 22 क्या क्या आ रहा है इंग्लिश में? इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर्स वगैरह, एंटोनियम सिनोनियम से पैराजम्बल्स हैं, और एक्टिव पैसिव में से एक था। अच्छा, एंटोनियम साइनो कितने आ रहे हैं? उसमें से दो थे एंटोनियम, दो दोनों एक एक। अच्छा, और वन वर्ड वगैरह? हाँ, वन वर्ड थे और स्पॉटिंग एरर वगैरह। और ये रीजनिंग में कैसा रहा? रीजनिंग में ज़्यादा। कितने अटेम्प्ट किए 25 में? रीजनिंग में 18। कैसा लगा लेवल, क्या क्या आ रहा है, किस टॉपिक से, किस किस टॉपिक से आ रहा है? उसमें से कैलेंडर में से थे कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे शायद, और वो होते हैं जो सीरीज वगैरह से। हाँ, सीरीज। हाँ, मिसिंग नंबर थे। और हाँ, ये सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं इजीली हैं या सॉल्व हो रहे हैं कि थोड़ा टाइम टेकिंग? हाँ, टाइम टेकिंग। और ये आपका मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का इसमें बेसिक में से जाते, एडवांस में से ज़्यादा कुछ नहीं था, एक दो क्वेश्चंस थे उसके ट्रिग्नोमेट्री में से। अच्छा, और क्या है एडवांस मैथ में, और क्या क्या आया था? ट्रिग्नोमेट्री आई होगी। हाँ, ज्योमेट्री। हाँ, और अर्थमेटिक में क्या क्या आ रहा? अर्थमेटिक में से आए थे, अर्थमेटिक में उसमें से ज़्यादा एक उसमें से आया था, परसेंटेज में से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, और उसमें से। और ये कितने अटेम्प्ट किए मैथ में आपने? मैथ में किए थे शायद 19। लास्ट में जीके आया होगा। हाँ, लास्ट में जीके था। जीके की बात भी है, कितने अटेम्प्ट किए जीके? जीके में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के थे कुछ क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन थे लगभग? क्वेश्चन करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन थे। किस ईयर के थे लगभग? उसमें अभी के थे और कुछ पहले के थे, 18-19 के। पुरस्कार वगैरह से कितने? हाँ, पुरस्कार के थे, एक क्वेश्चन था उसका। संगीत वगैरह से? संगीत में से भी एक था। अच्छा, योजना वगैरह आ रही है कुछ? नई योजना नहीं थी, कोई भी नहीं है। फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं? अवार्ड? अवार्ड? हाँ, अवार्ड के थे। अवार्ड जो पूछे जा रहे हैं कौन से पूछे जा रहे हैं, क्रिकेट से या कोई? नहीं, क्रिकेट से नहीं है, जैसे नोबल पुरस्कार वगैरह। तो ओवरऑल अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्ज़ाम किस लेवल का है, किस कैटेगरी का? नहीं, एग्ज़ाम अगर नॉर्मली था। हाँ, मॉडरेट। अच्छा, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ, कैसे मैनेज किया आपने? सबसे पहले कौन सा पार्ट किया? सबसे पहले तो इंग्लिश थी, फिर उसके सीरीज वाइज सीरीज जैसे आते गए वैसे। अच्छा, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन पर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। हाँ, और वो भी पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो कैसे मैनेज करें 60 मिनट में? नहीं, उसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस की वजह से हो जाएगा। आपने लगाया था? थोड़े से लगाए थे, मेरे हो नहीं पाए थे पूरे। अच्छा, जब तुम लगाते थे घर पर प्रैक्टिस सेट, तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करते थे? 60 में से एवरेज। जब प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने लगभग सही निकलते थे आपके? 80-70 ऐसे कुछ सही निकलते थे। हाँ, बहुत। कितने किए क्वेश्चन टोटल? सॉरी, क्वेश्चन की थी 80। बेस्ट। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।